मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जमीतुल उलमा हिंद के तरफ से मुंबई के आज़ाद मैदान में 23 फरवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद खास तौर पर यह है कि जिस तरह से सरकार द्वारा CAA NRC NPR लाया जा रहा है, इसी संदर्भ में संविधान बचाओ यानी संविधान बचाने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ से इसे जो है कॉन्फ्रेंस भी कहा जा सकता है, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों की जुटने की आशंका भी जताई जा रही है। इस आज यहाँ पर मुमरा के शाहिल होटल में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीतुल उलमा हिंद के तरफ से ये जानकारी दी गई है और हमारे साथ यहाँ पर जमीतुल उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह का ये जो कॉन्फ्रेंस रखा गया है तो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है किस तरह का लोगों से जो है आह्वान किया जाएगा? जमीतुल उलमा हिंद की तरफ से तहफ्फुज़े जमहूरियत कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आजकल जो हुकूमत है वो अजीब तरीके के कानून ला रही है जो हमारे संविधान के, हमारे जमहूरियत के और हमारे आईन के ख़िलाफ़ है। तो ये सारी बेचैनियों को देख करके जमीतुल उलमा हिंद ने आज़ाद मैदान में एक अच्छा प्रोग्राम किया है जिसका नाम रखा है तहफ्फुज़े जमहूरियत। उसी तहफ्फुज़े जमहूरियत प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज़ाद मैदान में पहुँचें। 23 फरवरी 5 बजे से 10 बजे रात तक ये प्रोग्राम होगा। लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग पहुँचें ताकि हमको ये ताकत मिले और हम अपने हिंद मुल्क के आइन को बचाने में और अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करने में हम हर तरीके से तैयार रहें। इसलिए जमीयतुल उलमाए हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने ये प्रोग्राम किया है और आपकी सदारत में और आप ही के मईयत में ये प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम होगा। पूरे हिंदुस्तान से लोग आ चुके हैं और ख़ासकर महाराष्ट्र से और हिंदुस्तान के हर सूबे। जिस तरह से प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, जो 23 फरवरी को ये मुंबई के आज़ाद मैदान में होगा, तो इस प्रोग्राम में क्या कोई ख़ास चेहरा जो है मौजूद रहेगा? इस प्रोग्राम के अंदर हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत भी रहेंगी, ख़ास तौर पर जस्टिस कोयलसे पाटिल साहब हैं और पीवी सावंत साहब हैं और हमारे महाराष्ट्र के काबिनी उदीर डॉक्टर जितेंद्र अहवाट साहब हैं, नवाब मलिक साहब हैं और हमारे जाने माने नेता अबू असीम आज़मी साहब हैं और कपिल पाटिल साहब हैं। इस तरीके से बहुत और हाजी बशीर मूसा पटेल साहब की इस्तकबाली सदारत में जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। इंशाअल्लाह ये अच्छा प्रोग्राम होगा और इससे सारे मुल्क के लोगों के समझ में बात आएगी कि हमारा आईन क्या कहता है और हमारे आईन पे क्या ख़तरात हैं और हमको किस तरीके से इसको समझना चाहिए। इसी सब बातों को लेकर के हमारे सदर मोहतरम ने यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ आज़ाद मैदान के अंदर एक अच्छा सा समा बंधेगा और लोगों को समझ में भी बात आएगी कि हमारे मुल्क के ऊपर जो आफत आई हुई है ये संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने की वजह से आई हुई है। जो अफरा तफरी मची हुई है संविधान के अंदर छेड़छाड़ करने की वजह से मची हुई है, तो वहाँ पे सबको समझ में आएगा कि हमारा जो संविधान है कितना प्यारा है और इसको हमको किस तरीके से बचाना है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज़ाद मैदान में जो कार्यक्रम होने वाला है, तो इस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या कहना? जिस तरह अभी हमारे सदर साहब ने आप लोगों के सामने एक तफसीली बात रखी है, तो मैं यहाँ मुमरा के रहवासी जो है, हमारे महाराष्ट्र के जो भी रहवासी है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे और जिन तक भी पहुँचे, हर एक से अपील की जा रही है कि इस प्रोग्राम में शरीक हो और अपने शरीक होकर अपने अखलाकियत का सबूत दे कि जो ये प्रोग्राम जो हमारे बड़े रखते हैं उसके अंदर हम शामिल हो और उनके जो अजाइम हैं उनको हम पूरा करने में उनकी मदद करें। इसी तरह ख़ास करके मुमरा के जो हमारे बसने वाले लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, उनसे मैं अपील ये करता हूँ कि यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। जो बसें 2 बजे इतवार के रोज़ 23 फरवरी को दारुल फला से, मुमरा स्टेशन से,
तनवर नगर से यहाँ से तमामों का बसों का भी इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा हर मस्जिद में जो भी अफराद जिस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अपने अइम्मा से राबता करें। इंशाल्लाह अइम्मा किराम हम आप लोगों के जाने की तरतीब बनाएंगे। और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि हम तमाम ही लोग अपने तमाम ज़रूरी कामों को आगे पीछे कर कर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो और जो हमारे बड़े काम कर रहे हैं उनके कंधों को हम मजबूत करें। तो आपने सुना जिस तरह से जो मौलाना वहाब कासमी है जमीतुल उलमा हिंद के, उनका कहना है कि मुंबई के आज़ाद मैदान में 23 फरवरी को जो है संविधान बचाने के लिए जो है लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे, और क्योंकि ये देश का मामला है और बेहद ही गंभीर मामला है, इसलिए संविधान बचाने के लिए लोगों का एक होना बेहद ही ज़रूरी है। हालांकि जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये कार्यक्रम इनका 3 दिन चलेगा, लेकिन जो 23 फरवरी का दिन है वो अहम दिन है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।